हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मैसूर डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट हुए JEE CNW के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर मैसूर डिवीज़न के अंतर्गत कंडक्ट कराए गए थे, जो कि साउथ वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत आते हैं। और बात करें कि यह पेपर हमारा JEE CNW के लिए था और यह 25% कोटे के अंतर्गत आते हैं। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो यह 4 मार्च 2022 को कंडक्ट कराए गए थे, जिसमें कैंडिडेट को 2 घंटे का समय दिया गया था, जिसमें टोटल प्रश्न की संख्या की बात करें तो 110 थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 100 रखे गए थे। वहीं नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इस एग्ज़ाम में 1/3 के नेगेटिव मार्किंग की भी प्रावधान किए गए थे। आगे देखते हैं कि इस एग्ज़ाम के अंतर्गत कौन कौन से पेपर प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो द पुलिंग फोर्स फॉर अलार्म चैन इन ICF कोच सेल नॉट एक्सटीड, यानी ICF कोचों में अलार्म चैन के लिए खींचने वाला बल अधिक नहीं होनी चाहिए, तो यह 10 kg से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन LHB कोच ब्रेकिंग सिस्टम द टाइम टेकन फॉर रिलीजिंग ऑफ ब्रेक इज, यानी LHB कोच ब्रेकिंग फोर्स सिस्टम में ब्रेक जारी करने में लगने वाला समय कितना होता है। तो चूंकि यहाँ पर हमसे रिलीजिंग टाइम पूछा गया है, तब कोचिंग के केस में हमारा रिलीजिंग टाइम 15 से 20 सेकेंड होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। वहीं अगर आपसे अप्लीकेशन टाइम अगर पूछा जाता तो यह 3 से 5 सेकेंड इसका उत्तर होता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ब्रेक एक्सीलेटर इज कनेक्टेड टू, तो ब्रेक एक्सीलेटर हमारा BP लाइन से कनेक्ट होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी ब्रेक पाइपलाइन से। नेक्स्ट प्रश्न है कि ड्यूरिंग चार्जिंग पोजीशन एयर प्रेशर इन ऑक्सिलरी रिजर्वायर मिस AR मिस चार्जिंग पोजीशन के दौरान सहायक रिजर्वायर में वायु दाब कितना होता है। चूंकि यहां पर कोचिंग के केस में यहां पर बताया गया है, तो ये हमारा 6 kg/cm² हो जाएगा, जो कि ट्विन पाइप ब्रेकिंग सिस्टम में होते हैं। अगर आपसे सिंगल पाइप में पूछा जाता कि AR का प्रेशर हमारा कितना होता है, तो ER के केस में हमारा सिंगल पाइप में 5 kg का प्रेशर ही होता, लेकिन डबल के केस में हम 6 kg/cm² का ऑप्शन लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द कैपेसिटी ऑफ द एयर स्प्रिंग इन LHCN कोच, यानी LHCN कोच में एयर स्प्रिंग की क्षमता क्या होती है। चूंकि यहाँ पर LHCN का मतलब होता है हमारा LHB के कोच होता है, जो 3-tier sleeper कोच होते हैं, इसकी एयर स्प्रिंग की कैपेसिटी पूछी गई है, तो यह होता है हमारा 140 टन होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BMBC, यानी BMBC का पूर्ण रूप क्या होता है। तो BMBC का पूर्ण रूप होता है हमारा बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट उत्तर होगा। BMBC या ICF कोच में प्रयोग किए जाते हैं। इसका पिस्टन स्ट्रोक की बात करें तो यह 32 mm इसका पिस्टन स्ट्रोक होता है, जबकि इसकी बात करें कि पर बोगी 2 की संख्या में पर बोगी लगे होते हैं, जबकि पर कोच 0-4 की संख्या में पर कोच लगे होते हैं ICF कोच में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो द नंबर ऑफ ब्रेक एक्चुएटर्स फिटेड इन LHB कोच एयर ब्रेक सिस्टम इज, यानी LHB कोच एयर ब्रेक सिस्टम में लगे ब्रेक एक्चुएटर्स की संख्या कितनी होती है। तो इसकी संख्या टोटल 8 की संख्या में पर कोच हमारा होता है LHB कोच में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ POH ऑफ BCN वैगन्स, यानी BCN वैगन्स की POH आवधिकता क्या होती है। तो इसकी POH आवधिकता 6 वर्ष के अंतराल पर किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है द फॉर्म यूज्ड फॉर विथड्रॉवल ऑफ स्टॉक्ड और नॉन स्टॉक्ड आइटम्स फ्रॉम डिपोट स्टोर्स इज, यानी डिपो स्टोर से स्टॉक की गई या गैर स्टॉक की गई वस्तुओं की निकासी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फॉर्म कौन सा होता है? तो यह होता है LM 171, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू इम्पोज पेनाल्टी ऑफ डिसमिसल फ्रॉम सर्विस ऑन अ रेलवे सर्वेंट बाय इन्वोकिंग रूल्स 14(3), यानी नियम 14(3) का प्रयोग कर रेल सेवक पर सेवा से बर्खास्ती का दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होते हैं? तो चूंकि यहाँ पर नियम 14 के बाद किया गया है तीसरे से, यानी इसके तहत डिसमिसल फ्रॉम सर्विस का प्रावधान है। इसका मतलब होता है एक रिमूवल फ्रॉम सर्विस होती है, एक डिसमिसल फ्रॉम सर्विस होता है। रिमूवल सर्विस फ्रॉम सर्विस किए जाने पर आप दूसरी नौकरी लेने के लिए एलिजिबल होते हैं, बल्कि अगर आपको डिसमिसल फ्रॉम सर्विस किया जाता है तो उसके अलावा आप किसी भी सर्विस के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बात करें तो इसको प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति को बनाया गया है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट डू यू मीन बाय FRP, यानी FRP से आप क्या समझते हैं? तो FRP का मतलब होता है फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्सटेंशन ऑफ सस्पेंशन शैल नॉट बी डन फॉर अ पीरियड एक्सेडिंग, यानी निलंबन का विस्तार डैश से अधिक अवधि के लिए नहीं किया जाएगा एक बार में, यानी तो इसका सही उत्तर 90 डेज एट अ टाइम, यानी एक बार में 90 दिन से अधिक आप किसी भी कर्मचारी को सस्पेंड पीरियड में नहीं रख सकते, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ वायु टॉयलेट सिस्टम फिटेड इन कोचेज, यानी कोचेज में लगे वायु टॉयलेट सिस्टम से क्या फायदे हैं? तो यह एनवायरमेंट फ्रेंडली है, प्रिवेंशन ऑफ क्लोजन ऑफ ट्रैक्स, जीरो डिफ्लेक्शन ऑन ग्राउंड, मिस ऑल ऑफ दी इसका करेक्ट उत्तर होगा, मतलब तीनों केस हमारा फुलफिल कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड इंक्लाइनेशन ऑन व्हील फ्लेंजेज, यानी पहिया निकला हुआ किनारा का मानक झुकाव कितना होता है? चूंकि यहाँ पर इंक्लाइनेशन हमारा व्हील फ्लेंज पर बताया गया है तो इस केस में हमारा यह उत्तर 1:2.5 की रेशियो हमारा होगा जो कि व्हील फ्लेंज पर होता है। जबकि अगर आपसे ट्रेड पर पूछा जाए तो ट्रेड पर यह इंक्लाइनेशन 1:20 के रेशियो में होता है, यानी 20 mm में 1 का इंक्लाइनेशन होता है ट्रेड पर, जबकि यहाँ पर फ्लेंज पर बोला गया है तो यहाँ पर 1:2.5 हो जाएगा, मिस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो WSP इन LHB कोच मीन्स, यानी LHB कोच में WSP से आप क्या समझते हैं? तो WSP का मतलब होता है व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन, जिसका उपयोग कभी जब इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह होती है कोच LHB कोच में उस दौरान चक्के स्कीड ना हो, इसको बचाने के लिए हमारा WSP सिस्टम का प्रावधान LHB कोच में किए गए हैं। अगर बात करें WSP सिस्टम्स की पार्ट्स की तो इसके अंतर्गत हमारा स्पीड सेंसर, फोनिक व्हील, माइक्रो प्रोसेसर, डंप वाल्व, प्रेशर स्विच आदि लगे होते हैं जिसका अलग अलग तरीके से काम होता है। स्पीड सेंसर चक्की के पास लगे होते हैं जो हमारा स्पीड सेंस करके माइक्रो प्रोसेसर को भेजता है, फिर माइक्रो प्रोसेसर हमारा चक्के की स्पीड को सारे एक्सल्स को हम कैलकुलेट करते हैं, फिर उस अनुसार हमारा डंप वाल को निर्देश देते हैं कि वह ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर कितना रेगुलेट करना है। इस केस में हमारा ऑप्शन नंबर बी ही WSP यानी व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन हमारा करेक्ट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर प्लेसिंग अ रेलवे सर्वेंट अंडर सस्पेंशन इज, यानी रेल सेवक को निलंबन से अधीन रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मानक पत्र कौन से होते हैं? तो यहाँ पर हमारा निलंबन यानी सस्पेंशन की बात की गई है, तो ये हमारा SF1 के अंतर्गत सस्पेंशन किया जाता है किसी एम्प्लॉय को, या सिर्फ डायरेक्ट सस्पेंशन किस केस में है? अगर आपसे डिम्ड सस्पेंशन पूछा जाता है
डिम्ड सस्पेंशन वह होता है कि जब आपको कोई पुलिस कस्टडी में आपको रखा जाता है 48 घंटे से अधिक, उस केस में आपको डिम्ड सस्पेंशन किया जाता है उस अवधि से जब दौरान से आपको अरेस्ट किया गया था। इसमें एसएफ 2 का प्रयोग किया जाता है डिम्ड सस्पेंशन के लिए, लेकिन यहाँ पर हमारा डायरेक्ट सस्पेंशन से बात की गई है तो ये हमारा एसएफ 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर होगा। जबकि एसएफ 7 हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर होते हैं, जबकि एसएफ 5 होता है मेजर पेनाल्टी के लिए, जबकि एसएफ 11 होता है माइनर पेनाल्टी के देने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट रिड्यूसिंग स्केल, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कम या कटौती करने वाला प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी 1:2 रेशियो, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हाट इज द नेम ऑफ शॉक ऑब्जर्वर्स कनेक्टेड बिटवीन बोगी एंड कार बॉडी, जो हमारा एलएचबी बोगी कोच में बोगी और बॉडी के बीच जो शॉक ऑब्जर्वर लगे होते हैं उसे हम यो डैम्पर या यो शॉक ऑब्जर्वर आप बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द कंडीशन ऑफ फोनिक व्हील एंड स्पीड सेंसर इन एलएचबी कोच टू बी चेक्ड ड्यूरिंग डैश शेड्यूल, यानी एलएचबी कोचों में फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर की स्थिति की जांच डैश अनुसूची के दौरान की जाती है। इसका सही उत्तर D2 शेड्यूल हो जाएगा, जिस दौरान फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर के बीच के गैप को कंडीशन को देखा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन आइसोमेट्रिक स्केच ऑफ क्यूब, यानी घन के एक सममितीय रेखाचित्र में क्या होता है। तो इसका सही उत्तर ऑल फेस आर इक्वली डिस्टोर्टेड, मिस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पीरियड ऑफ स्टडी लीव फॉर टेक्निकल कोर्स शैल बी ग्रांटेड टू रेलवे सर्वेंटिज, यानी तकनीकी पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन अवकाश की अवधि रेल सेवकों को दी जाएगी। तो यह होता है अगर टेक्निकल पीरियड के लिए आप कोर्स के लिए अगर स्टडी लीव अगर डिमांड किए जाते हैं तो यह 24 मंथ मतलब मिस 2 ईयर्स के लिए आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आप करेक्ट उत्तर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी इंक्लूडेड इन द प्रिविलेज पास इंक्लूडिंग डिपेंडेंस, यानी विशेषाधिकार पास में आश्रितों सहित कितने सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर डिपेंडेंट को इंक्लूडिंग करते हुए कितने आपको इसको इंक्लूड कर सकते हैं मेंबर को, तो इस केस में मैक्सिमम 5 की संख्या में इंक्लूड कर सकते हैं, मिस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रैवलिंग इन द ICF कोच इज डन टू चेक, यानी चेक करने के लिए ICF कोच में ट्रैवलिंग की जाती है। तो यह स्क्वायरनेस ऑफ बोगी की जांच करने के लिए ट्रैवलिंग की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न एक्सपेंड RDSO, मिस RDSO का विस्तार रूप क्या होता है। तो RDSO का मतलब होता है रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, मिस ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा, जो कि यह लखनऊ में अवस्थित है इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर्स। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो द रेक कैरिंग कैपेसिटी ऑफ BLC वैगन ईच, एंड BLC वैगन की रेक ले जाने की क्षमता क्या होती है। तो चूंकि यह एक यूनिट में 5 कार्स होते हैं, टोटल 9 यूनिट का एक रेक बनाया जाता है BLC वैगन्स के लिए, आप इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 45 आएगा, मिस ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। मिस एक रेक को ले जाने के लिए BLC वैगन में 45 वैगन्स की जरूरत पड़ती है, मिस ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि द हॉट बॉक्स टेम्परेचर लिमिट फॉर कोचिंग स्टॉक, यानी कोचिंग स्टॉक के लिए हॉट बॉक्स तापमान की सीमा क्या इतना होती है। तो यह कोचिंग के केस में हमारा हॉट बॉक्स टेम्परेचर पूछा गया है तो यह 80 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। वहीं अगर आपसे बैगन से रिलेटेड मैक्सिमम टेम्परेचर पूछा जाता है एक्सल्स की, तो इसमें 90 डिग्री सेल्सियस तक अलाउबल होते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ एलएचबी कोच, यानी एलएचबी कोच का नया पहिया का व्यास कितना होता है, तो यह 915 mm होते हैं। जबकि अगर कंडम की बात करें तो कंडम एलएचबी कोच में 855 mm पर कंडम किए जाते हैं, बाकी किसी किसी डिवीजन में अभी भी 845 लिए जाते हैं। तो यह अपने अपने डिवीज़न में आंसर देते समय आप ध्यान रखें इस बात की। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हील बेस ऑफ बीसीएन वैगन्स बोगी इज डैश एमएम, यानी बीसीएन वैगन्स की बोगी का व्हील बेस कितना होता है। चूंकि बीसीएन वैगन में कैसनाव बोगी लगाए जाते हैं तो उस केस में कैसनाव बोगी का हमारा व्हील बेस 2000 प्लस माइनस 5 एमएम होता है, लेकिन कोई ऑप्शन ना है इस केस में हम 2000 एमएम ही ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिनिमम बफर हाइट ऑफ बॉक्स एंड बैगन इज डैश एमएम, यानी बॉक्स एंड बैगन की न्यूनतम बफर ऊंचाई कितनी होती है। तो बॉक्स एंड बैगन की मिनिमम बफर हाइट पूछा गया है तो इसका सही उत्तर हमारा 1030 एमएम हो जाएगा, मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंडम थिकनेस ऑफ इलास्टोमेरिक पैड मिस ईएम पैड इन बीसीएन बैगन, यानी बीसीएन बैगन में इलास्टोमेरिक पैड की कंडम मोटाई कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हमारा 42 एमएम हो जाएगा, जो कि इलास्टोमेरिक पैड की कंडम थिकनेस होती है। जबकि न्यू थिकनेस आपसे पूछा जाए नॉमिनल थिकनेस तो यह 46 एमएम के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ग्रुपिंग ऑफ स्प्रिंग्स फॉर कैसनाव बोगी फॉर मेंटेनेंस शैल नॉट बी मोर देन, मिस रख रखाव के लिए कैसनाव बोगी के लिए स्प्रिंग का समूह 1 से अधिक नहीं होनी चाहिए, मिस 3 एमएम से ज़्यादा आप अलाउबल नहीं कर सकते समूह में ग्रुप्स में, मिस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है लेटरल क्लीयरेंस बिटवीन साइड फ्रेम एंड बोलस्टर इन केस ऑफ 22 HS कैसनाव बोगी इज, यानी 22 HS कैसनाव बोगी के मामले में साइड फ्रेम और बोलस्टर के बीच जो लेटरल क्लीयरेंस होता है मिस पार्श्व निकासी उसका सीमा क्या होती है। तो इसका सही उत्तर हमारा 25 mm इसका करेक्ट उत्तर होगा, मिस ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि SAB ए डायमेंशन ऑफ बोवारेन इज डैश एमएम, यानी SAB बोवारेन बैगन्स का ए आयाम कितना होता है। तो ए आयाम इसमें बोवारेन के केस में पूछा गया है जो कि हमारा होता है 27 प्लस माइनस प्लस 2 माइनस 0 mm, मिस ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। बाकी ऑल अदर टाइप रिलेटेड टू कैसनाव बोगीज बैगन्स तो उस केस में हमारा 70 प्लस 2 माइनस 0 mm होगा, बाकी बोवारेन स्पेशल केस में इसका 27 प्लस 2 माइनस 0 mm होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन लोडेड कंडीशन ऑफ बोवारेन पिस्टन स्ट्रोक इज डैश एमएम, यानी बोवारेन पिस्टन स्ट्रोक की लोडेड कंडीशन में पिस्टन स्ट्रोक कितने होते हैं। तो बोवारेन के केस में या लोडेड कंडीशन में 110 प्लस माइनस 10 एमएम होता है, मिस ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट उत्तर होगा। जबकि एमटी की बात करें तो एमटी में 100 प्लस माइनस 10 एमएम इसका पिस्टन स्ट्रोक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन 1 unit ऑफ BLC वैगन्स देयर आर डैश बी कार्स, यानी BLC वैगन्स की एक इकाई में डैश बी कार होते हैं। तो चूंकि एक BLC की रेक यूनिट में हमारा 5 कार प्रयोग किए जाते हैं जिसके दोनों एंड पर एक एक ए कार होते हैं, जबकि बीच में हमारा इस LD स्लैक लेस ड्रॉबार के जरिए 3 बी कार को अटैच किए जाते हैं, मिस यहाँ पर सीधा सीधा 3 की संख्या में हमारा बी कार होंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारा BLC वैगन की एक यूनिट में 3 बी कार का प्रयोग किए जाएंगे, मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑटोमेटिक ब्रेक सिलेंडर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिस APM इज फिटेड इन बिटवीन, यानी स्वचालित ब्रेक सिलेंडर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम APM फिट में बीच में फिट किए जाते हैं। तो यह प्रयोग किए जाते हैं बोगी साइड फ्रेम ऑफ कैसनाव बोगी एंड बैगन अंडर फ्रेम के बीच प्रयोग किए जाते हैं, मिस ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। अगर बात करें इससे रिलेटेड और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो APM से यह पूछा जा सकता है कि जब इसका आर्म का मूवमेंट टोटल मूवमेंट कितना होता है, तो टोटल आर्म का मूवमेंट 104 mm तक इसका मैक्सिमम होता है, जिसमें अगर 79 से
बिलो कम होता है अगर आर्म का मूवमेंट, उस केस में यह लोडेड कंडीशंस को सेंस करेंगे और उस केस में यह ब्रेक सिलेंडर को प्रेशर 3.8 प्लस माइनस 0.1 केजी का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजेगा, जबकि अगर आर्म का मूवमेंट 80 mm या उससे अधिक होता है, मोर देन 80 mm होता है, उस केस में यह एम्प्टी कंडीशंस को सेंस करेगा, उस दौरान यह प्रेशर 2.2 प्लस माइनस 0.25 का प्रेशर ब्रेक सिलेंडर को भेजेगा। बाकी एक्स्ट्रा प्रेशर या एपीएम के पास लगे एआर जो 6.6 लीटर के होते हैं उसमें एक्स्ट्रा प्रेशर को भेज देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द फॉर्म यूज फॉर जनरेटिंग द नॉन स्टॉक इंडेंट्स इज, यानी नॉन स्टॉक इंडेंट्स जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला फॉर्म कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए S3302 मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा, जो कि नॉन स्टॉक इंडेंट्स को जनरेट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि द व्हील डिफेक्ट्स आर मेजर्ड विथ, यानी पहिया दोषों को डैश से मापा जाता है, तो यह टायर डिफेक्ट गेज के द्वारा इसको मेजरमेंट किए जाते हैं व्हील डिफेक्ट का। इस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द लिस्ट काउंट ऑफ बर्नियर कैलिपर, बर्नियर कैलिपर्स का अल्पतांक कितना होता है? तो यह होता है 0.02 mm। इस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कोडल लाइफ ऑफ बीबी जेडाई बैगन्स इज, यानी बीबी जेडाई बैगन्स की कोडल लाइफ कितनी होती है? तो यह 30 ईयर्स का इसका होता है। मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो व्हील वेस ऑफ एलएचबी कोच इज डैश एमएम, एलएचबी कोच का व्हील वेस कितना एमएम का होता है? तो यह होता है 2560 mm का। मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। जबकि अगर आईसीएफ की बात करें तो ICF कोच में या बिल वेस 2896 mm का होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो स्लैक लेस ड्रो बार इज यूज्ड इन विच ऑफ द फ्लोइंग बैगन्स, यानी निम्नलिखित में से किस बैगन में स्लैक लेस ड्रो बार का प्रयोग किया जाता है? मिस SLD जो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, इसका प्रयोग हमारा BLC बैगन्स में प्रयोग किए जाते हैं, वो भी हमारा जो बी कार को जो कनेक्ट करते हैं 3 B cars के बीच, उसके बीच हमारा SLD प्रयोग किया जाता है, जिसकी रियल लेवल से ऊंचाई ओनली 18845 mm का, यानी 845 mm होती है रियल लेवल से इसकी ऊंचाई, जबकि नॉर्मल CBC में यह 1105 mm फ्रॉम रियल लेवल से हाइट होते हैं। मिस यहाँ पर हमारा SLD का प्रयोग पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए BLC इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि डट कलेक्टर इन फ्रेट स्टॉक शुड बी क्लीनेड ड्यूरिंग, यानी फ्रेट स्टॉक में डट कलेक्टर को डैश के दौरान साफ किया जाना चाहिए, तो इसका सही उत्तर ROH के दौरान इसका क्लीनेस किया जाता है। मिस ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ए फार्मूला इन MS Excel स्टार्ट विथ अ सिंबल, MS Excel में एक सूत्र जो एक प्रतीक के रूप में शुरू होता है उसका सही उत्तर हमारा इक्वल से शुरू होता है। मिस ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्किंग प्रेशर ऑफ BTPN सेफ्टी वाल्व इज, यानी BTPN सेफ्टी वाल्व का वर्किंग प्रेशर कितना होता है? तो इसका सही उत्तर 1.4 kg/cm² होता है। मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। जबकि अगर बात करें कि सेफ्टी वाल्व पर BTPN कितनी संख्या में लगे होते हैं, तो इसकी पर एक की संख्या में पर BTPN लगे होते हैं, जो कि यह लगा होता है सेंटर ऑफ जो बैरल हमारा होता है उसके टॉप सेंटर के बीचों बीच सेंटर में इसका प्रयोग किए जाते हैं, जिसका काम होता है कि अगर 1.4 kg/cm² का अगर प्रेशर बैरल के अंदर अगर बनता है उसको एडजस्ट करने के लिए यह लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द डायमीटर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन वैगन्स फिटेड विथ BMBS ब्रेक सिस्टम इज, यानी BMBS ब्रेक सिस्टम से युक्त वैगनों में ब्रेक सिलेंडर का व्यास कितना होता है?
तो BMBS में ब्रेक सिलेंडर का व्यास पूछा गया है तो यह 10 इंच का होता है मिस, 255 mm की अप्रॉक्स। मिस ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फोर्स रिक्वायर्ड टू लॉक ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक ऑफ BLC वैगन्स, यानी BLC वैगन में स्वचालित ट्विस्ट लॉक को लॉक करने के लिए आवश्यक बल कितना होता है। तो यहाँ पर लॉक ऑटोमेटिक ट्विस्ट लॉक को लॉक करने की बात की गई है, इसके लिए हमें 600 kg का फोर्स रिक्वायर होता है लॉक करने के लिए ATL को, जबकि अगर अनलॉक के लिए बात की जाए तो इसमें 1000 kg का फोर्स रिक्वायर्ड होता है ATL को अनलॉक करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द कंट्रोल रिजर्वायर मिस CR प्रेशर इन द एयर ब्रेक सिस्टम इज डैश kg, यानी एयर ब्रेक सिस्टम में नियंत्रण जो सलासर यानी कंट्रोल रिजर्वायर होता है उसका प्रेशर कितना होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर ए, 5 kg प्रेशर हमारा इसके अंदर होता है जो कि कंट्रोल रिजर्वायर के अंतर्गत होते हैं। मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है कि नंबर ऑफ ब्रेक एक्चुएटर्स कनेक्टेड टू द हैंड ब्रेक केबल इन LHB डिजाइन कोचिंग स्टॉक, यानी LHB डिजाइन कोचिंग स्टॉक में हैंड ब्रेक केबल में जुड़े ब्रेक एक्चुएटर्स की संख्या कितनी होती है। तो इसकी संख्या की अगर बात की जाए तो यह 2 की संख्या में हैंड ब्रेक केबल से कनेक्ट होते हैं। मिस ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि नंबर ऑफ व्हील्स कनेक्टेड टू द हैंड ब्रेक इन BCN वैगन, यानी BCN वैगन में हैंड ब्रेक से जुड़े पहियों की संख्या कितनी होगी। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में यह बताया नहीं गया है, अगर BCN वैगन अगर ओल्ड मॉडल होगा पुराने मॉडल्स की, तो उस केस में यह टोटल दोनों बोगियों पर टोटल 8 चक्कों पर यह ब्रेक लगा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑप्शन 8 दिया नहीं गया है। इस केस में अगर हम HL के केस में अगर BMBS के केस में लेते हैं तो उसमें एक बोगी पर जो ब्रेक सिलेंडर होता है उससे हैंड ब्रेक केबल जुड़े होते हैं, इस प्रकार हमको 4 चक्के पर इसका ब्रेक अप्लाई होते हैं HL के केस में। इस प्रकार हम ऑप्शन नंबर सी इसका 4 आंसर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि फाइंड आउट ऑड नंबर यानी विषम संख्या को ज्ञात करें, यहाँ पर 4 डिजिट दिए गए हैं 18, 34, 36 और 54। इस केस में हमको फाइंड आउट करना, मीन्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 80 का मल्टीपल 36 और 54 है जबकि 34 इसका मल्टीपल नहीं है। इस केस में हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए 34 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द ओवरऑल लेंथ ऑफ BCN HL वैगन यानी BCN HL वैगन्स की कुल लंबाई कितनी होती है। तो इसका सही उत्तर हमारा 10034 mm होता है। मिस ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रेक पावर सर्टिफिकेट इशूड फॉर LHP डिजाइन कोचिंग स्टॉक आफ्टर पिट लाइन एग्जामिनेशन इज वैलिड फॉर, यानी पिट लाइन परीक्षण के बाद LHP डिजाइन कोचिंग स्टॉक के लिए जारी किया गया ब्रेक पावर सर्टिफिकेट कितने दिन के लिए वैलिड होते हैं। तो यह होगा 4000 किलोमीटर या 96 आवर्स बीच ईवर ईयरली, मैंने दोनों केस में जो भी पहले हो उस केस तक या BPC वैलिड होते हैं। इस ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न इसका मैथ से रिलेटेड पूछे गए हैं, इसमें बोला गया है कि मूर्ति ड्रॉप फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी इन द फर्स्ट आवर्स, पहले आवर्स में वो जो ए से बी तक जाता है उसमें यह ट्रैवल करता है, वह टोटल जर्नी का 1/4 पार्ट्स होता है यानी 1/4 जो पार्ट्स होते हैं उसको यात्रा करता है, जबकि नेक्स्ट 1 आवर्स में वह टोटल जर्नी का 1/2 यानी आधा भाग यात्रा करता है, जबकि लास्ट 30 मिनट में वह 80 किलोमीटर की यात्रा करता है। बस आप हिंदी में इसको देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि मूर्ति ने शहर ए से शहर बी के लिए गाड़ी चलाई, पहले घंटे में उन्होंने यात्रा का 1/4 यात्रा की, अगले घंटे में उन्होंने यात्रा का आधा भाग तय किया, जबकि अंतिम 30 मिनट्स में उसने 80 किलोमीटर की यात्रा की। उस केस में इसमें टोटल डिस्टेंस के बारे में पूछा गया है कि कितना डिस्टेंस टोटल मूर्ति ने तय किया। तो यहाँ पर हम देखेंगे
सबसे पहले कि टोटल डिस्टेंस को हम एक्स कंसीडर कर लिए हैं। अगर बात करें पहले घंटे में अगर 1/4 चला है तो टोटल डिस्टेंस का एक्स 4 हो जाएगा, जबकि अगले नेक्स्ट आवर्स में उन्होंने आधा यानी 1/2 पार्ट्स चले हैं, तो मिस एक्स बाई 2 इसको हम कंसीडर करेंगे। अगर टोटल हम निकालना चाहें तो हमारा दोनों को एडिशन करने पर हम पाते हैं 3x डिवाइड बाई 4 इसका टोटल डिस्टेंस आता है। चूँकि हमारा इस केस में हम रिमेनिंग पार्ट्स अगर निकालना चाहें तो एक्स हमारे टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कंसीडर किए थे, उस केस में अगर हम 3x बाई डिवाइडेड 4 को अगर घटाते हैं यानी सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा एक्स बाई 4 हमारा रिमेनिंग डिस्टेंस आता है, जो कि यहाँ पर हमारा 30 मिनट्स में या 80 मिनट्स में जो 80 किलोमीटर हमारा है वो एक्स बाई 4 किलोमीटर ही इसके इक्वल है। इस केस में अगर टोटल निकालना चाहे तो हमारा 320 किलोमीटर हमारा इसका सही उत्तर आएगा। मिस यहाँ पर अगर बात करें तो 320 किलोमीटर हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, मिस ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न एक और पूछा गया है, रामूज मदर हैज 3 सन्स, द एल्डेस्ट वन सन इज ओनकारी, सेकेंड कॉल इज टूकारी एंड देन थर्ड सन्स नेम इज व्हाट। मिस यहाँ पर पूछा गया है कि अगर रामू के मदर्स के 3 सन्स दिए गए हैं जिसमें एक का नाम बताया गया ओनकारी, दूसरे का टूकारी, तो रिमेनिंग इसका रामू ही इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मिस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट एक रीजनिंग से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए, सिलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज, मिस यह गिवन सीरीज दिया गया है इसमें जो यह पार्ट्स है उसको मिसिंग पार्ट्स को पूछा गया कि इसमें क्या उत्तर इसका सही होगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा 11 से शुरुआत किया गया है जिसमें अगर बात करें कि 11 में अगर 5 एडिशन करते हैं 16 आएगा, फिर 16 में 5 अगर एडिशन करते हैं तो 21 आएगा, फिर यहाँ पर एक सीरीज बनाया गया जो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि यह सीरीज हमारा इस प्रकार दिए गए हैं, जिसमें पहले 5-5 को ऐड किया गया है, फिर -8 को घटाया गया है, फिर यही 1 को बढ़ाकर 6-6 कर दिया गया दोनों में, फिर यहाँ 8 को हमारा 2 बढ़ाकर माइनस घटाया गया है, फिर यहाँ पर 6 को 1-1 बढ़ाकर दोनों में ऐड किए गए हैं, फिर यहाँ पर 10 को जब हम रेगुलेट करेंगे 2 बढ़ाकर तो इस केस में हम 17 इसका उत्तर आता है। मिस एंस तो फिर इसमें अगर 17 में अगर हम 8 अगर उस अनुसार अगर सीरीज में चले तो +1 ऐड करते 25 आ जाता है, तो इस केस में हमारा 17 इसका मिस 17 इसका हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मिस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि यूजिंग द एंड की इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर मूव्स द कर्सर टू द एंड्स ऑफ द, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करते हुए प्रोसेसर कर्सर को अंत तक ले जा सकता है लाइंस को। मिस ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्च इज रिलेटेड टू 3rd द सेम वे एज अक्टूबर इज रिलेटेड टू, मिस यहाँ पर मार्च को बताया गया है कि तीसरे महीने से रिलेटेड मिस 3rd से, उस प्रकार अक्टूबर हमारा 10वें महीने से रिलेटेड होता है, तो यहाँ पर 10th मिस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न भी रीजनिंग से रिलेटेड पूछा है, सिलेक्ट द ऑप्शन डैट इज रिलेटेड टू द 3rd नंबर इन द सेम वे एज द 2nd नंबर रिलेटेड टू 1st, मिस पहला नंबर जिस प्रकार दूसरे नंबर से रिलेटेड है उसी प्रकार तीसरे नंबर चौथे नंबर से किस प्रकार रिलेटेड होगा, तो उस केस में यहाँ पर हमारा नंबर दिया गया है कि यह नंबर कि 15 अगर 375 से किस प्रकार रिलेटेड है उसी प्रकार 12 से क्या इसका उत्तर आएगा। चूँकि यहाँ पर 15 को 375 से है, 375 को अगर एडिशन करते हैं तो हम 15 पाते हैं, मिस हमको जो टंग संख्या दिया गया है उसको ऐड करने पर हमारा 15 आ रहा है, इस प्रकार अगर हम कौन से ऑप्शन लेंगे जिसको ऐड करने पर हमारा 12 आएगा, तो आप इस ऑप्शन नंबर सी को अगर ऐड करते हैं तो उस केस में आपका 12 उत्तर आ जाएगा। मिस ऑप्शन नंबर डी सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो एज पर न्यू बैगनिंग नंबरिंग सिस्टम
थर्ड एंड फोर्थ डिजिट इंडिकेट्स, यानी नए वैगन नंबरिंग योजना के अनुसार तीसरे और चौथे अंक क्या दर्शाते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए ऑनिंग रेलवे हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें पूरे डिटेल्स से तो सबसे पहले देखेंगे कि नए वैगन नंबरिंग सिस्टम जो आया है वो हमारा टोटल 11 डिजिट से होते हैं, जिसमें पहले और दूसरे की बात करें तो ये हमारा टाइप्स ऑफ वैगन बताता है, जिसमें अगर यह बताता है कि यह बॉक्सन है, बीसीएन है या बीटीपीएन या बीएलसी वैगन, कौन से टाइप्स वैगन है। जबकि जो तीसरे और चौथे वैगन्स होते हैं वो हमारा रेलवे कोड्स यानी ऑनिंग रेलवे को बताता है कि यह एनसीआर का है, एनडब्ल्यूआर का है या एनआर का, रेलवे का यह वैगन है। अगर बात करें पाँचवें और छठे अंक की तो यह बताता है कि यह किस साल यह बना था। अगर यह 2004 ईस्वी में अगर वैगन बना होगा तो सेकेंड टू डिजिट को हम कंसीडर करेंगे, मतलब हमारा 04 इसका नंबर कंसीडर करेंगे। अगर 2012 में अगर बना हो तो 12 सिर्फ कंसीडर करेंगे मैन्युफैक्चर ईयर्स के केस में पाँचवें और छठे अंक के स्थान पर। जबकि जो हमारा 7, 8 और 9, 10 जो फोर डिजिट होते हैं वो हमारा सीरियल नंबर्स वैगन्स के सीरियल नंबर्स को बताते हैं। जबकि 11वां डिजिट हो जो हमारा होता है वैगन्स के वो चेक डिजिट को बताता है, जिसकी मदद से हम यह पता लगाते हैं कि जो वैगन नंबर दिए गए हैं 11 डिजिट का वह सही है या गलत, इसका पता लगाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमसे सिर्फ थर्ड और फोर्थ डिजिट के बारे में पूछा गया है तो यह हमारा ऑनिंग रेलवे मिस किस रेलवे का यह वैगन्स है, मिस एनसीआर, एनडब्ल्यूआर या एनआर, मिस किस जोन का, मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्सल लोड ऑफ बॉक्सन वैगन बॉक्सन एचएल वैगन इज, यानी बॉक्सन एचएल वैगन का एक्सल लोड कितना होता है? तो यह होता है 22.9 टन, मिस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द टाइप ऑफ कपलर फिटेड इन द एलएचपी डिजाइन कोच इज, यानी एलएचपी डिजाइन कोचों में लगे कपलर का प्रकार कौन सा होता है? तो यह होता है एच टाइप कपलर का प्रयोग किए जाते हैं एलएचपी कोच में, मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। जबकि ई टाइप का प्रयोग हमारा वैगन्स में किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो द डायमीटर ऑफ सीबीसी नकल पिन इज, यानी सीबीसी नकल पिन का डायमीटर कितना होता है? तो यह 41.28 mm का होता है, मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। जबकि अगर बात करें मिनिमम परमिसिबल यानी कब तक इसको परमिट कर सकते हैं, मिस 39.5 mm तक मिनिमम आप इसको परमिसिबल कर सकते हैं नकल पिन डायमीटर्स को। नेक्स्ट प्रश्न है कि 140 टन ब्रेक डाउन विथ एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन इन मैसूर डिवीजन इज लोकेटेड एट, यानी 140 टन ब्रेक डाउन दुर्घटना राहत ट्रेन के साथ मैसूर मंडल में स्थित है। इसका सही उत्तर हमारा अरसी खेरे, मिस ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द स्पीड एट विच द वैगन्स टू बी पास्ड ओवर इन इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन बेट ब्रिज फॉर द बैटमेंट इज, एंड तौल तुलन के लिए इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन बेट ब्रिज के ऊपर से गुजरने वाले वैगन की गति कितनी होती है? तो यह 15 किलोमीटर पर आवर इसका गति होगा, मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द कंडमिंग थिकनेस ऑफ ब्रेक पैड ऑफ एल एच बी कोच इज, यानी एल एच बी कोच के ब्रेक पैड की कंडमिंग मोटाई कितनी होती है? तो यह टोटल न्यू की बात करें तो न्यू में यह 35 mm का होता है, जबकि कंडम इसको हम 7 mm तक मिनिमम आने पर कंडम करते हैं। इस प्रकार हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर ए 7 to 10 mm का करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि फीबा इन एलएचबी कोचेज स्टैंड्स फॉर, यानी एलएचबी कोचों में फीबा का अर्थ क्या होता है? तो फीबा का अर्थ होता है फेलियर इंडिकेशंस कम ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस, मिस ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। फीबा का काम होता है कि जब ब्रेक में जो हमारा एयर स्प्रिंग लगे होते हैं एलएचबी कोच में उससे अगर कोई लीकेज वगैरह होता है तो तुरंत यह सेंस करता है और सारे गाड़ी में यह ब्रेक अप्लाई कर देता है, जबकि फीबा इंडिकेटर में ग्रीन से रेड कलर कन्वर्ट हो जाते हैं। मिस इस प्रकार हमारा
फीवा वर्क करते हैं? इसका उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच शॉर्टकट कीज इज यूज टू फाइंड पार्टिकुलर्स वर्ड इन वर्ड डॉक्यूमेंट्स। मीन्स वर्ड डॉक्यूमेंट्स में विशेष शब्द को खोजने के लिए किस शॉर्टकट कीज का उपयोग किया जाता है। चूंकि यहाँ पर फाइंड्स करने के लिए बात की है, मीन्स कंट्रोल प्लस एफ का आप कंटेक्ट इंटर करेंगे तो आप पार्टिकुलर शब्द को सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ LHB डिजाइन कोच इज, यानी LHP डिजाइन कोच की अधिकतम गति 160 किलोमीटर पर आवर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ द पैसेंजर ट्रेन्स एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन, यानी प्रारंभिक स्टेशन पर यात्री ट्रेनों का ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होता है, तो यह 100% मिनिमम रखा जाता है। इस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बैंक्विट इफ बैंक्विट रिलेट कोडेड एज इतना दिन, इसको किस प्रकार न्यू को किस प्रकार कोड किया जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सारे कोड में -22 घटाकर हमारा यह कोड प्राप्त किया गया है जो इससे रिलेटेड है। उस प्रकार इस कोड में भी अगर हम इसी रूल को अप्लाई करते हैं -2 घटाने कर, तो हमारा LCU आता है जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इस ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द ब्रेक पावर परसेंटेज सीसी रैक एट द BP सी इज स्विंग पॉइंट्स इज, यानी BPC जारी करने वाले बिंदु या पॉइंट्स पर ब्रेक पावर प्रतिशत सीसी रेक का कौन सा होगा। चूंकि सीसी रेक की बात की गई है ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर, तो ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर इसकी ब्रेक पावर 100% होता है मिनिमम। जबकि इन रूट की बात करें तो इन रूट में मिनिमम 90% होना अनिवार्य है। BPC कलर की बात करें तो यह येल्लो कलर का होता है सीसी रेक में। जबकि इसकी मैन पावर एग्जामिनेशन की बात करें तो यह 100 मैन पावर्स की ज़रूरत पड़ती है इसके एग्जामिनेशन के लिए। जबकि यह BPC के वैलिडिटी की बात करें तो BPC के वैलिडिटी 30+5 डेज का होता है सीसी रैक के केस में। जबकि इसमें कंडीशन होता है कि अगर गार्ड जो हमारा गुड्स गार्ड होते हैं, अगर वह BPC की पीछे बैक पेज पर अगर किलोमीटर मेंशन नहीं करते हैं तो उस केस में यह 20 डेज का ही वैलिडिटी इसका रह जाता है। इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ द प्रीमियम ब्रेक एट द BPC स्विंग पॉइंट। चूंकि ऊपर में हमारा सीसी रैक पूछा गया था, यहाँ पर हमसे प्रीमियम ब्रेक्स के बारे में पूछा गया है। प्रीमियम ब्रेक्स की कंडीशन में हमारा मिनिमम ब्रेक पावर ओरिजिनेटिंग स्टेशन पर 95% होते हैं। मिस ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। वहीं BPC कलर की बात करें तो यह ग्रीन कलर का होता है BPC कलर इसके। और मैन पावर्स की बात करें तो 75 मैन पावर्स की इसकी एग्जामिनेशन के लिए जरूरत पड़ती है, जबकि BPC के वैलिडिटी 12+3 डेज का होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रैक्शन सेंटर इज अवेलेबल इन, ट्रैक्शन सेंटर डैश में उपलब्ध होता है तो यह LHB बोगी में उपलब्ध होता है। मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है कि IRCA पार्ट 3 डील विथ, यानी IRCA का CA का जो हमारा भाग 3 होता है वो किससे रिलेटेड होता है। तो पार्ट 3 इसमें पूछा गया, तो पार्ट 3 हमारा बैगन स्टॉक से रिलेटेड होते हैं। मिस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। जबकि IRCA पार्ट 4 जो हमारा होता है वो हमारा कोचिंग से रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि द मैक्सिमम लोड पर वैगन्स डेट कैन बी वेटेड एट द पिट लेस इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन बेट ब्रिज इज, यानी पिट लेन इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन बेट ब्रिज की पर प्रति वैगन अधिकतम भार जिसे तोला जा सकता है। तो इसका सही उत्तर हमारा 140 टन इसका सही उत्तर होगा। मिस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्रांजिशन सीबीसी कपलर इन एलएचबी कोच इज फिटेड इन, यानी एलएचबी कोच में ट्रांजिशन सीबीसी कपलर का लगाया गया है कहाँ पर, तो LWLRRM मिस या ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, द कंट्रोल डॉट डायमीटर ऑफ ईयर ब्रेक बैगन इज, यानी ईयर ब्रेक बैगन का कंट्रोल डॉट का व्यास कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा 32 mm इसका करेक्ट उत्तर होगा, इस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन बेट ब्रिज इन मैसूर डिवीजन इज लोकेटेड एज, यानी मैसूर मंडल में इलेक्ट्रॉनिक इन मोशन बेट ब्रिज कहाँ पर स्थित है, तो यह चित्रदुर्ग में स्थित है, इस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि SLI फिटेड इन 140 टन क्रेन मिस 140 टन क्रेन में लगे SLI का मतलब क्या होता है, तो SLI का मतलब होता है हमारा सेफ लोड इंडिकेटर, मिस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रेक डिस्क थिकनेस इन LHB कोच इज, यानी LHB कोच में ब्रेक डिस्क की मोटाई कितनी होती है, तो यह 110 mm का होता है न्यू कंडीशन में, मिस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। जबकि अगर कंडम की बात करें तो कंडम या 96 mm पर हम कंडम कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि द मेंटेनेंस ऑफ कोचिंग स्टॉक डन इन पिट लाइन इज 4, यानी पिट लाइन में किए गए कोचिंग स्टॉक रख रखाव के लिए है, तो इसका सही उत्तर हमारा बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेंटेनेंस इसका सही उत्तर होगा, मिस ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इन BLC वैगन हाइट ऑफ स्लैकलेस ड्रो बार सिस्टम फ्रॉम रेल लेवल, यानी BLC वैगन में रेल स्तर से स्लैकलेस ड्रो बार के सिस्टम की ऊंचाई कितनी होती है, क्योंकि स्लैक लिस्ट ड्रो बार हमारा बी कार, जो हमारा BLC का एक यूनिट में 5 कार होते हैं जिसमें दोनों एंड पर एक कार होता है और बीच के 3 बी कार प्रयोग किए जाते हैं, जिसको कनेक्ट करने के लिए हमारा SLD मिस स्लैक लिस्ट ड्रो बार का प्रयोग किया जाता है, जिसकी रेल सी ऊंचाई हमारा 845 mm होता है, मिस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि शॉप शेड्यूल SS3 ऑफ LHB कोच इज डन इन वंस इन एवरी, यानी LHB कोचों का शॉप शेड्यूल अटेंशन SS3 प्रत्येक में एक बार में किया जाता है, तो यह किया जाता है हमारा SS3 72 मंथ्स में 6 ईयर्स पर किए जाते हैं इसका SS3, यानी यह 24 लाख किलोमीटर्स दोनों कंडीशन में जो भी पहले हो उस कंडीशन हमारा SS3 इसका किया जाता है, जबकि SS1 1.5 ईयर्स या 6 लाख किलोमीटर, SS2 इसका 3 ईयर्स या 12 लाख किलोमीटर और SS3 इसका 6 ईयर्स मिस 72 मंथ्स या 24 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस केस में इसका किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ROH ऑफ वैगन्स इज कैरिड आउट एट द फ्लोइंग वैगन्स डिपोट्स इन मैसूर डिवीजन्स, यानी मैसूर मंडल में निम्नलिखित वैगन डिपो में वैगनों का ROH ले जाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हमारा MNGT में इसका ROH किया जाता है, मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द मिनिमम परसेंटेज ऑफ हैंड ब्रेक फॉर ट्रेंस वर्किंग इन SKLR SBHR घाट सेक्शन इज, यानी SKLR और SBHR घाट सेक्शन में चलने वाली ट्रेनों के लिए ब्रेक पावर का न्यूनतम प्रतिशत कितना होता है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी 90% इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ड्यूरिंग नाइट टाइम स्पॉट यानी सेल प्रोपेल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन इसका फुल फॉर्म होता है, सेल बी स्टार्टेड बिटवीन 10 मिनट्स फ्रॉम द टाइम ऑफ साउंडिंग सायरन्स, यानी रात के समय स्पॉट सायरन बजने के समय से 10 मिनट के भीतर शुरू हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हमारा 20 मिनट के अंदर ड्यूरिंग नाइट टाइम में इसका शुरुआत हो जानी चाहिए, इस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि ड्यूरिंग नाइट टाइम बीटी स्पेशल विथ क्रेन सेल बी स्टार्टेड विद इन द डैश मिनट फ्रॉम द टाइम ऑफ साउंडिंग सायरन्स, यानी रात के समय क्रेन के साथ बीटी स्पेशल सायरन बजने के समय से डैश मिनट के भीतर चालू हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर 45 मिनट्स जो कि ड्यूरिंग नाइट टाइम होता है, इस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द स्पीड रिस्ट्रिक्शंस टू बी इम्पोज इन केस ऑफ फेलियर ऑफ एयर स्प्रिंग इन एलएचबी कोचेज इज, यानी एलएचबी कोचों में एयर स्प्रिंग की विफलता के मामले में लगाए जाने वाला गति प्रतिबंध कितना होता है? तो यह 60 किलोमीटर पर आवर होता है। मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा, जो कि एयर स्प्रिंग की फेलियर कंडीशन में हम गाड़ी को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम गाड़ी को अलाउ करते हैं आगे डेस्टिनेशन तक के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि एलएचबी कोच इज फिटेड विथ, यानी एलएचबी कोच में लगे होते हैं 4 डंप वाल्व लगे होते हैं। मिस पर एक्सल में लगे होते हैं 1 की संख्या में, टोटल यह 4 एक्सल होते हैं हमारा, तो टोटल 4 की संख्या में लगे होते हैं। मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करें थिकनेस ऑफ सोल बार ऑफ एलएचबी कोचिज, यानी एलएचबी कोचों में सोल बार की मोटाई कितनी होती है? तो ये 6 एमएम इसका मोटाई होता है। इस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द डीपीटी ऑफ फोर्ज्ड व्हील्स टू बी कैरिड आउट ड्यूरिंग डैश शेड्यूल्स, में जाली या फ्रॉड पहियों का डीपीटी डैश अनुसूची के दौरान किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हमारा 92 का हमारा सही उत्तर D3 शेड्यूल्स के दौरान इसका फोर्ज बिल्ड का हमारा कैरी आउट किए जाते हैं, DPT किया जाता है। इस ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा, D3 शेड्यूल्स। नेक्स्ट प्रश्न है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर कटिंग स्टेनलेस स्टील कोच या वैगन्स, निम्नलिखित में से किसका उपयोग स्टेनलेस स्टील कोच या वैगनों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर हमारा प्लाज्मा कटिंग, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि द एलएचबी कोचिंग स्टॉक व्हील आर फिटेड विथ, यानी एलएचबी कोचिंग स्टॉक व्हील्स डैश के साथ लगे होते हैं। तो यह होता है सिलिंड्रिकल टेपर रोलर व्हील, जिसे आप CTRB कार्टेज टेपर रोलर भी बियरिंग भी आप बोल सकते हैं। मिस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि विच टाइप ऑफ स्टील आर यूज्ड इन साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट्स ऑफ कैसनव बोगी, यानी कैसनव बोगी के साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट्स में किस प्रकार के स्टील का प्रयोग किया जाता है? तो यह सिलिको मैग्नीज स्टील इसका करेक्ट उत्तर होगा। मिस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि द मैक्सिमम स्पीड ऑफ BBZI वैगन्स इज, यानी BBZI वैगन्स की अधिकतम गति कितनी होती है? तो यह 100 किलोमीटर पर आवर इसका मैक्सिमम स्पीड होता है BBZI वैगन्स की। मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है द मेमो यूज्ड फॉर एडवाइजिंग टू द सिख वैगन्स टू द ऑपरेटिंग ब्रांच, यानी परिचालन शाखा को सिख वैगनों को सलाह सूचित करने के लिए प्रयुक्त मेमो कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो यह RS-16 का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट को सिख वैगन्स की मेमो देने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पर हमारा फिट वैगन्स के लिए पूछा गया है, तो फिट वैगन्स के लिए हमारा 17 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा, जबकि यह सिख वैगन्स के लिए है, यह हमारा फिट वैगन्स के लिए हो गया, जबकि RS-18 जो हमारा प्रयोग किया जाता है वह प्रयोग किया जाता है रिपोर्ट्स ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय थीफ्स, जो चोरी होने का जो हमारा डैमेज वगैरह होता है मिस चिप्स के कारण, उसके लिए RS-18 का प्रयोग किया जाता है, जबकि RS-1 का प्रयोग हमारा ओवरऑल सिख जो हमारा डिटेंशन होता है रजिस्टर में उसको इंटर करने के लिए हमारा यूज किया जाता है RS-1। नेक्स्ट प्रश्न है कि द रिकॉर्ड मेंटेन एट द कोचिंग डिपोर्ट्स फॉर प्राइमरी और सेकेंडरी मेंटेनेंस ऑफ ट्रेन्स, एंड ट्रेनों के प्राथमिक या माध्यमिक अनुरक्षण के लिए कोचिंग डिपोर्ट्स में रिकॉर्ड किया गया, जो हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? तो इसका सही उत्तर हमारा RS-7 इसका सही उत्तर होगा। मिस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर होगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि हैचिंग लाइंस इन इंजीनियरिंग ड्राइंग आर ड्रॉन एट डैश डिग्री एट द रेफरेंस लाइन। मीन्स इंजीनियरिंग ड्राइंग में हैचिंग लाइंस रेखाएं संदर्भ रेखा से डैश डिग्री पर खींची जाती है, तो इसका सही उत्तर हमारा 45 डिग्री इसका सही उत्तर मीन्स ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी कमेटी, यानी केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो यह हमारा प्राइम मिनिस्टर मिस प्रधानमंत्री, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 मिस 1963 पास्ट कब किया गया था, राजभाषा अधिनियम 1963 या 10 मई 1963 को पास किया गया था मिस ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। जबकि अगर संशोधन मिस अमेंडमेंट की बात करें तो इसको 1966 में इसका संशोधन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि एज पर द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स पंजाब स्टेट्स फॉल अंडर द बीच रीजन्स, यानी राजभाषा नियम के अनुसार पंजाब स्टेट्स को किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर बी, बी यानी ख रीजन के अंतर्गत इसको रखा गया है पंजाब स्टेट्स को राजभाषा नियम के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्हेन वाज द डिसीजन टेक टू द मेक हिंदी लैंग्वेज एज ऑफिशियल लैंग्वेज, इस हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए कब निर्णय लिया गया था, तो यह 14 सितंबर 1949 को लिया गया था मिस 14/9/1949 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाउ मेनी लोकसभा मेंबर्स आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, मिस संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, चूंकि हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी की बात की गई है यानी संसदीय समिति की, तो इसमें टोटल संख्या 30 की संख्या में टोटल मेंबर होते हैं, जिसमें बात करें तो 20 हमारा लोकसभा से होता है और 10 हमारा राज्यसभा से होते हैं। इस प्रकार हमारा उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर होगा, जो कि लोकसभा से होते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बेन इज द हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, यानी प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 14 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। एज पर द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स कर्नाटका फॉल्स अंडर विच रीजन्स, यानी राजभाषा नियम के अनुसार कर्नाटका किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी मिस ग समूह का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हु इज द चेयरमैन ऑफ द डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, यानी मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये होता है DRM मिस डिविजनल रेलवे मैनेजर इसका यानी मंडल रेल प्रबंधन इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है इन विच ऑर्डर्स आर द स्टेशन अनाउंसमेंट मेड इन द ट्राइलिंगुअल, यानी स्टेशन की घोषणाएं त्रिभाषी रूप में किस क्रम में की जाती है, तो सबसे पहले यह रीजनल लैंग्वेज में, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश लैंग्वेज में की जाती है मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हु प्रीवियस एनुअल प्रोग्राम्स ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, मीन्स राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है, तो यह होम मिनिस्ट्री का कार्यक्रम तैयार करता है मिस ऑप्शन नंबर बी ए इसका करेक्ट उत्तर होगा। गृह मंत्रालय इसका वार्षिक कार्यक्रम हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज पर तैयार करता है। अगर आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर आपके पास भी कोई ऐसा पेपर होता है तो आप इस दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।